brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एमपी की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीप नारायण यादव का नामांकन कैंसिल हो गया है। जानकारी के मुताबिक नामांकन फॉर्म पर प्रत्याशी के दो जगह हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें से एक जगह मीरा यादव ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। मतदाता पहचान पत्र की सत्यापित प्रति की जगह पुरानी प्रति दे दी गई थी। मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव ने कहा है कि हम इस फैसले को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हमारे 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फॉर्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 बजे से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित दो, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हर हालत में। बता दें कि खजुराहो सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा मौजूदा सांसद और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनकी राह अब आसान होती दिख रही है। इधर नामांकन कैंसिल होने के बाद राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। कांग्रेस और सपा का उम्मीदवार न होने की स्थिति में दोनों ही पार्टियां मिलकर किसी एक उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन दे सकती हैं, लेकिन उसे कांग्रेस या सपा का चुनाव चिन्ह नहीं मिल सकेगा। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट, एमपी तक।